रोज नहाने के पानी में डाल लेना ये चीज, घर में छप्पर फाड़ के पैसा आएगा। क्या आपकी कुंडली में भी शुक्र ग्रह की स्थिति कमजोर है, या आपके ऊपर भी शनि देव की कुदृष्टि की वजह से आपके घर में पैसों की कमी के कारण लिए गए कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, आपसे माँ लक्ष्मी रूठ गई है, क्या राहु केतु जैसे ग्रहों के कारण आपके घर की स्थिति डावाडोल हो रही है, आपको अपने बिजनेस या जॉब में सक्सेस नहीं मिल पा रही है, तो घबराइए मत। आपको बस नहाने के पानी में कुछ ऐसा डालना है जिससे आपकी किस्मत बदल जाएगी। नहाने के पानी से किए गए उपाय आपके जीवन की सभी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारे गुरुजी बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि आप रोज नहाने के पानी में ये एक चीज डाल देना, घर में आपके छप्पर फाड़ के पैसा आएगा। तो आखिर कौन सी वो चीज है जिसे नहाने के पानी में डालने से ढेर सारा पैसा आने लगेगा, तो ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। गुरुजी कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नहाने के कई नियम हैं। अगर इन नियमों का पालन किया जाए तो जीवन में चल रही परेशानियों को दूर किया जा सकता है, आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल सकता है। इसके लिए बस आपको नहाने के पानी में बताई गई ऐसी चीजें डालनी है जिससे आपको धन वैभव की कभी भी कमी नहीं होगी। आप अगर काला तिल पानी में डालकर नहाते हैं तो आपके जीवन में चल रहे शनि दोष से आप छुटकारा पा सकते हैं। काला तिल शनि देव को खुश करने का सबसे आसान तरीका है, इससे घर के लड़ाई झगड़ों में कमी आती है, जीवन में चल रही पैसों की कमी दूर होती है। आप अगर चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आपके जीवन में धन धान्य की कभी भी कमी ना हो, तो इसके लिए आप तुलसी की सूखी पत्तियां या लकड़ी लेकर उसे पीस कर पाउडर बना ले। इस पाउडर को आप डेली अपने नहाने के पानी में डाल कर नहाएं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। नमक एक ऐसी चीज है जो चंद्रमा और राहु केतु जैसे ग्रहों को शांत करता है। हमारे जीवन में आने वाली सभी विपत्तियां इन ग्रहों की वजह से ही उत्पन्न होती है। ऐसे में पानी में नमक डालकर नहाने से जीवन से सभी ग्रह दोष खत्म हो सकते हैं। आपके आसपास की नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, रुके हुए काम तेजी से पूरे होते हैं। आप चाहे तो काला तिल, तुलसी पाउडर और नमक तीनों को मिलाकर एक डिब्बे में रख लें, और रोज नहाते समय अगर इस मिश्रण को पानी में मिलाकर नहाए तो आपको चमत्कारी लाभ मिलेगा। दोस्तों, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति अगर मजबूत हो तो व्यक्ति धन, ऐश्वर्य और सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है। आप भी अगर अपनी कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत करना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन नहाने के पानी में 2 बूंद कपूर के तेल की डाल करना है। आप ऐसा लगातार 11 शुक्रवार तक करें, इससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। इसके साथ ही अगर आप शनिवार के दिन कपूर की कुछ बूंदे पानी में मिलाकर नहाते हैं तो आपको मानसिक शांति मिलेगी, आपको हर तरह की परेशानी से छुटकारा मिलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी सही हो जाएगी, आपके घर में छप्पर फाड़ के पैसा आएगा। इसके अलावा आप नहाने के पानी में गुलाब जल, चंदन, इत्र जैसी खुशबूदार चीज मिलाकर अगर रोज नहाते हैं तो आपकी धन संबंधित प्रॉब्लम दूर होगी और आपको कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी। आपको अगर लगता है कि जॉब या बिजनेस में सक्सेस नहीं मिल रही है तो आप रोज सुबह या सिर्फ गुरुवार के दिन नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी मिला लें। ऐसा करने से बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है और आपकी सभी रुकावटें दूर होती हैं, आपको सक्सेस जरूर मिलती है। सोमवार के दिन आप अगर नहाने के पानी में दूध डालकर नहाएं तो आपको मानसिक शांति मिलेगी और ऐसा करना आपके लिए शुभ फल देगा। आप डेली नहाते समय किसी भी एक मंत्र का उच्चारण करें तो आपको काफी फायदा होगा। आप अगर नहाते समय ओम नमो नारायण मंत्र का सिर्फ 2 बार उच्चारण कर लें तो भी आपके लिए काफी शुभ फल देने वाला होता है, इससे आपकी किस्मत बदल जाएगी। आप अगर अपने दिन की शुरुआत बताए गए तरीकों में से किसी भी एक तरीके से नहा कर करते हैं तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, गुरुजी द्वारा बताए गए नहाने के नियम अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी हमने इंटरनेट के माध्यम से ली है, इसमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। इस वीडियो का मकसद केवल आप सभी को पूरी जानकारी देना है, ना कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।